तो हेलो भाई, कैसे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का GTA 5 के एक और कमाल के गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस यार, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस, आपने पिछले पार्ट में देखा, मैंने एक भद्दी सी कार को बेच के यहाँ पे ये ZX10R खरीदी थी, और ये फ्रैंकलिन यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तगड़े मिशन पे जाना है आज। तो गाइस, उससे पहले आप इस ZX10R को चेकआउट कीजिए। मैंने यार ये बेनी से मॉडिफाई करवाई है, और उसने क्या जहर मॉडिफाई करी है। बिल्कुल, मतलब कि मैंने जब इसको खरीदा था ना, तब ये बिल्कुल भद्दी दिख रही थी। आप पिछले पार्ट में देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो। फिलहाल मैं और फ्रैंकलिन जो है मिशन पे जाने वाले हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। मैंने लेस्टर से वो मिशन पहले से ही समझ के रखा है, तो मैं डायरेक्ट उस पर जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या है, हमको आना बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ना, हमारे बहुत सारे काम निपटाने के लिए। तो इसलिए मेरे को लॉस्ट गैंग जो है उस पर अटैक करने जाना है। तो भाई साहब, आप सोचोगे यार, लॉस्ट गैंग यानी नाम से पता चल रहा है पूरी गैंग है, तो यार हम दोनों जने सिर्फ उस पर अटैक कैसे करेंगे। भाई बहुत सिंपल है, लेस्टर के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो कहीं कहीं ताकत की जगह दिमाग भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए यार लेस्टर की मदद से हम ये काम करने वाले हैं। तो उसने मेरे को पहले से ही प्लान समझा के रखा है, तो मैं आपको रास्ते में बताता हुआ चलूंगा। तो फिलहाल यार, आप ZX10R को देखिए, क्या ही भागती है यार ये गाड़ी, बहुत शानदार गाड़ी है, तो मजा आ गया इसको चलाने से। तो गाइस, हमारा प्लान सिंपल सा ये है कि यार लॉस्ट गैंग जहाँ से है ना वाइन खरीदती है ना, तो वहाँ पे एक बंदा आएगा उनका वाइन खरीदने के लिए हर बार की जैसे। तो यार उस दुकान पे जाके उस दुकान पे कब्जा करना है हमको, और फिर बाद में उनकी वैन लेके वहाँ से फरार हो जाना है। तो गाइस फिलहाल देखो, वो शॉप यहाँ पे आ चुकी है, पेट्रोल पंप के जस्ट पास में ये वाली शॉप है ना, यहाँ से वो लॉस्ट गैंग वाले वाइन खरीदते हैं। तो यहाँ पे उनका एक बंदा आने वाला है वैन लेकर उनकी वाइन खरीदने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, हम दोनों यहाँ पे नहीं जाएंगे, फ्रैंकलिन को है ना जो मैं उधर खड़ा करके आ जाता हूँ, ताकि ये हमारी गाड़ी को भी संभाल ले। तो गाइस यार, आप अगर प्लान नहीं समझे हो तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गाड़ी और फ्रैंकलिन दोनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा उस दुकान के अंदर। और भाई साहब, फ्रैंकलिन तो यही खड़ा रहना, बाकी यहाँ से तो मैं संभाल लूंगा, फिर अपन दोनों को मिल के काम करना है आगे। तो गाइस यार, मैं पेट्रोल पंप के पास में उस शॉप के पास में जाने वाला हूँ, और यहाँ पर सिंपली से मेरा प्लान है, जैसे लॉस्ट गैंग का बंदा यहाँ पे वाइन खरीदने के लिए आएगा, मैं शॉपकीपर की जगह खड़ा रहूंगा और उसको यहाँ पे टपका दूंगा, और उनकी ही वैन लेके उनके ही अड्डे पे जाऊंगा, मतलब उस बॉम्ब लगा दूंगा मैं उसकी गाड़ी में। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, लॉस्ट गैंग वाले जैसे गधों के पास में इतना सारा पैसा आया कैसे। लेस्टर बोल रहा था उनने बहुत बड़ी कोई चोरी या फिर डकैती की है, और एक सेकेंड यार, यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है इसको पहले मैं मार मार के बेहोश कर दूँ, ताकि इसकी जगह मैं खड़ा रह सकूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने जो इसको मार मार के बेहोश कर दिया था, और सामने मैंने उसको पीछे वाले कमरे में रख दिया है, ताकि मतलब कि ठिकाना लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने उसकी जगह ले ली है। अब आने दो उस लॉस्ट गैंग वाले बंदे को, वो जैसे आएगा मैं उसको मार के उसकी गाड़ी लेके जाऊंगा, और उसकी गाड़ी में बहुत सारे बॉम्ब लगा दूंगा। तो बस इंतजार इसी चीज़ का था। ये देखो यहाँ पे एक वैन तो आ गई है, एंड यार ये देखो लॉस्ट गैंग की है। बस यार इस बंदे को ये पता ना चल जाए कि यहाँ पर शॉपकीपर जो है चेंज हो चुका है, यानी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। देखो सामने से वो बंदा चल के तो आ रहा है, एंड यार अंदर आ गया और इसको पता भी नहीं चला कि यहाँ पे शॉपकीपर चेंज है। सामने की तरफ यार वो बियर खरीदने चला गया सीधा। तो यार मैं एक काम करता हूँ ना, फटाफट से मैं छुपके से जाऊँगा, पीछे से उसको वार करूंगा और उसको डाउन कर दूंगा। तो गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे चाकू जो है ले लिया है, बस यार उसको पता ना पड़ जाए मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो यार थोड़ा सा क्राउच करके चलना पड़ेगा आराम आराम से। अरे भाई बियर देख रहा है, क्या कर रहा है भाई। तो गाइस यार मेरा प्लान ये है कि जैसे ये बियर के कार्टून्स वहाँ पे पहुँचते हैं ना लॉस्ट गैंग के अड्डे पे, चलो भाई मैंने इसको डाउन कर दिया है। तो भाई वो लॉस्ट गैंग के अड्डे पे जैसे ही मेरे सारे कार्टून लेके पहुँचूंगा ना, सभी के सभी उसके पास में आ जाएंगे, एंड मैं उस वैन को ब्लास्ट कर दूंगा, ताकि यार आधे से ज़्यादा बंदों को मैं ऐसे ही डाउन कर दूँ। तो गाइस यार वो ड्रेस मैंने उसकी पहन के देखी जो लॉस्ट गैंग का बंदा था ना उसके, लेकिन यार वो मेरे को फिट ही नहीं आ रही है। तो माइकल ने यार, माइकल की छाती थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे मैंने वाइन की बोतलें जो है रख दी है, एंड यार बॉम्ब मेरे हिसाब से इतने काफ़ी रहेंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे 10-12 स्टिक की बॉम्ब से यहाँ पे लगा दिए इस वैन के अंदर, और जैसे लॉस्ट गैंग के सारे बंदे इसके पास, मतलब कि आधे आधे से ज़्यादा बंदे थे, वो वाइन लेने पहुँचेंगे ही, क्योंकि यार सारे पियक्कड़ एक नंबर के। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे इसमें रख लिया है, एंड उनके अड्डे पे जाके मैं इसको ब्लास्ट कर दूंगा। तो गाइस यार फिलहाल जो मैं लॉस्ट गैंग के अड्डे पे पहुंचने वाला हूँ, एंड यार मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया था, तो वो भी यहीं कहीं आसपास में होगा। फिर वो सामने देखो भाई, बहुत सारे गार्ड्स खड़े होंगे यार यहाँ पर। तो देखो एक बंदा ये खड़ा हो रहा है, कितने बंदे बंदूक लेके खड़े हैं भाई, इनको पता ना चल जाए मैं आया हूँ यहाँ पर। ये एक दो तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत सारा पैसा आ रखा है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए पार्टी शार्टी भी मचा रहे हैं। तो फटाफट से मैं इधर से निकल के पीछे के रास्ते से मेरे को निकलना पड़ेगा। अबे शिट यार, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है। नहीं 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 इसको भी यार डाउन करना पड़ेगा चुपचाप से, लेकिन इसका सीधा क्यों नहीं यार, स्नाइपर बजाऊंगा तो एक काम खत्म हो सकता है, मतलब कि आवाज़ आ जाएगी ना स्नाइपर की। मेरे पास सप्रेशर नहीं लगा हुआ है, तो
छुपके से यहाँ से जाना पड़ेगा यार। मैंने सोचा था पिछले बार पीछे के रास्ते से आराम से निकल जाऊंगा, पर यार इन गधों ने यहाँ पर भी एक गार्ड खड़ा कर रखा है। फटाफट से मैं चलता हूँ एंड यार इसको पता ना चल जाए। ओ भाई इसको पता चल गया था यार एंड टाइम पे, लेकिन मैंने इसको सीधे गले पे मार के यहाँ पे डाउन कर दिया। तो फटाफट से मेरे को भाग के यहाँ से निकलना चाहिए। मर गया ना भाई, कहीं उठ के बता दे। इसका तो काम खत्म हो चुका है। तो मैं फटाफट से चलता हूँ एंड यार इस डंडे को कूद के यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड जैसे ही फ्रैंकलिन यार देखो सामने वाली छत पे खड़ा है दूरबीन लेके, तो मतलब कि वो मेरे को बता देगा। जैसे वो सारे घास वाइन लेने वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो वो मेरे को बता देगा एंड मैं यहाँ से स्टिकी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दूंगा। एंड यार वो देखो वो खड़ा फ्रैंकलिन वहाँ पे दूरबीन लेके, एंड यार वो देख रहा है कि सारे बंदे जब वैन के पास पहुँच जाएंगे वो मेरे को इशारा करेगा एंड मैं सारे स्टिकी बॉम्ब्स को उड़ा दूंगा एंड वो सारे बंदे उड़ जाएंंगे। मतलब कि लगभग आधे आधे से ज़्यादा बंदे तो उड़ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड सब बंदों को डाउन करके, बचे हुए बंदों को डाउन करके सारे पैसे वहाँ से उड़ा लूँगा। एंड यार मेरे को पता भी नहीं चला फ्रैंकलिन यार कब से वहाँ पे इशारे कर रहा है, अरे यार जल्दी से निकलना होगा। तो गाइस यार ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 भाई साहब यहाँ पे कितने सारे बंदे डाउन हो चुके हैं। एंड यार गार्ड ये गार्ड वगैरह तो रह गए। तो गाइस यार मेरे को लेस्टर की दीवी खास ये पिस्तल निकालनी पड़ेगी। भाई यार ये मशीन गन जैसे चलती है पिस्तल, क्या गंदी है भाई लेस्टर। तो गाइस यार मैं फटाफट से अंदर की तरफ चलता हूँ। यार पीछे से कोई शॉटगन चला रहा है। यार इन बंदों के पास शॉटगन भी है क्या यार? तो शॉटगन की रेंज तो इतनी नहीं आती, तो वो बंदा जरूर पास में आने की कोशिश करेगा। तो ये मैंने दूर से उसको भून दिया भाई, क्या गोलियाँ चलाई है। तो गाइस यार बाहर के सारे गार्ड्स लगभग डाउन हो चुके हैं। यार अंदर अरे भाई गेट पे शॉटगन लेके खड़ा है। ओ भाई किसने मारा है इतना भयंकर? भाई मेरे एक भी गई चिपी ना भाई, काम से जाऊँगा मैं बिल्कुल। और ये बंदा भी यहाँ पे डाउन। भाई अंदर से एक दो बंदों की आवाज़ हो रहा है। ये तो यार देखते हैं देखिए कौन है। एंड यार ये खड़े यहाँ पे बंदे, तो इनको भी फटाफट से डाउन कर देता हूँ मैं। तो गाइस यार जो इनका मेन जो मालिक है ना, मतलब कि लॉस्ट गैंग का जो लीडर है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। नहीं तो यार वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो मतलब कि 1v1 फाइट बहुत तगड़ी। ओ इतने सारे पैसे भाई, मज़ा गया यार। तो यार मैं फटाफट से फ्रैंकलिन को कॉल करके मिलाता हूँ। फ्रैंकलिन किधर गया? ये रहा फ्रैंकलिन। तो गाइस मैंने फ्रैंकलिन को यहाँ पे कॉल कर दिया है एंड यार फ्रैंकलिन को मैंने मिस कॉल दिया है ताकि वो यहाँ पे फटाफट से आ जाए। बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई। बैग लेके फ्रैंकलिन यहाँ पे पहुँचता ही होगा जब तक। मैं यार ये क्या करूँ, यहाँ पे और कोई गार्ड तो नहीं आ जाएगा ना, वो लॉस्ट गैंग के लीडर को नहीं पता चलना चाहिए। वैसे तो अभी वो बहुत ज़्यादा दूर है, पता नहीं वो शैंडी सोर्स कहीं पर तो गया हुआ। ट्रेवर का गाँव है शैंडी सोर्स, तो वो आएगा जब तक तो हम यहाँ पे लेके फरार हो जाएंगे। भाई फ्रैंकलिन जल्दी आना यार, कहाँ पे रह गया? और भाई ये देखो इंतजार खत्म हुआ, फ्रैंकलिन यहाँ पे आ चुका है। भाई ड्रिफ्ट क्यों मार रहा है, जल्दी जल्दी से आ जाए, वहाँ पे पैसे रखे हुए हैं भाई बहुत सारे। तो गाइस यार आज तो मजा आ गया यार, मैंने और फ्रैंकलिन ने जितना हो सकता था भर भर के पैसा यहाँ से उठा लिए। देखो मैंने दो बैग भर लिए, एक हाथ में और एक पीछे लटका है, यानी फ्रैंकलिन ने भी उठा लिए। पर यार वो एक गड्डी बच रही है, मेरे को अफसोस तो हो रहा है। लेकिन यार फ्रैंकलिन भाई आ जाए यार, नहीं लेके चल सकते अपन उसको? यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया नहीं। फ्रैंकलिन जो कार लेके आया, हमने बाकी के पैसे उसमें रख लिए, मतलब कि सारा सफा चट कर दिया है यार यहाँ पे। तो फ्रैंकलिन फटाफट से आ जाए भाई कार लेके। तो गाइस यार हम निकलने वाले हैं सीधा का सीधा लेस्टर के पास में। एंड यार 50% भाई फ्रैंकलिन आ जाना यार, कितना टाइम लगेगा। तो फटाफट से हेलमेट यहाँ पे पहन लेता हूँ मैं एंड फ्रैंकलिन भी आ चुका है। तो फटाफट से चलते हैं लेस्टर के पास में। तो गाइस यार बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, मतलब कि मेरे को 50% मिलेगा, 25% फ्रैंकलिन को एंड 25% लेस्टर को, क्योंकि यार मैंने इंपॉर्टेंट काम सारा किया है। तो गाइस यार पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं मेरे को, यार मैं गिन के आपको बताऊंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो अभी के अभी कि मेरे को जो भी पैसा मिलेगा, मान लो मेरे को 10 मिलियन डॉलर्स या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ मिलता है, तो यार मैं उससे क्या करूं? तो गाइस फिलहाल मैं जो अपने घर पे आ चुका हूं, क्योंकि लेस्टर से मैंने कॉल करके बात करी तो वो बोल रहा है यार तू एक काम कर अपने घर पे ले जा, मैं थोड़ा बिजी हूं तो मैं शाम को मिलूंगा। तो गाइस यार मैं उसके पैसे उसको शाम को दे दूंगा। इंडिया फ्रैंकलिन अभी तक आया नहीं, तो उसका इंतजार हम करते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी ZX10R, क्या खतरी लगती है भाई ये गाड़ी, तो मैंने इसको पेड़ की छाया के नीचे खड़ी कर दिया। एंड फ्रैंकलिन अभी यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस यार हमने आज बहुत तगड़ा हाथ मार लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।